प्रदेश में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आज दूसरा दिन और एक बार फिर से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय के कमांड एंड कंट्रोल रूम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप देख पाएंगे मेरी मौजूदगी उस जगह पर है जहाँ से पूरे हरियाणा के तमाम 408 परीक्षा केंद्रों की निगहबानी की जा रही है। पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर पैनी नजर, हालांकि जो परीक्षा केंद्र है वहां भी इस तरह से कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जहाँ जितने भी कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे प्रत्येक कक्ष में, यानी 14 कैमरे जो है हर एक परीक्षा केंद्र में, ना केवल कक्षा कक्षों में लगाए गए हैं बल्कि दो कैमरे, एक एंट्रेंस पर और दूसरा कंट्रोल रूम में लगाया गया है। तो तमाम जगहों पर इसी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, आज पहली पारी में, पहले सत्र में, यानी अभी 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जो परीक्षा आयोजित की जाएगी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा स्टेट लेवल 2 की यानी टीजीटी की परीक्षा आयोजित की जा रही है। पूरे प्रदेश में कुल जो 408 परीक्षा केंद्र है, 1,21,574 अभ्यर्थी, कुल अभ्यर्थियों की अगर मैं बात करूं इस टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा में शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा अगर अलग अलग मैं बात करूं लिंग के हिसाब से, तो महिला अभ्यर्थी जो है, बड़ी तादाद में महिला अभ्यर्थी, 83,535 महिला अभ्यर्थी इस परीक्षा में, टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा में अपीयर हो रही है। और इसके अलावा अगर बात करूं पुरुष अभ्यर्थियों की बात करूं, 38,008 पुरुष अभ्यर्थी इस परीक्षा में जो है टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा में भाग ले रहे हैं, जबकि 21 जो ट्रांसजेंडर हैं वो भी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है महिलाओं की तादाद जो है आधे से भी ज्यादा है, यानी यूं कहा जाता है कि आधी आबादी है जो है महिलाओं की, लेकिन यहाँ परीक्षा पे देखी जाए तो डबल जो है कहीं ना कहीं संख्या है महिलाओं की पूरी परीक्षा के दौरान, 2,52,028 जो अभ्यर्थी हैं कुल। अगर तीनों लेवल की परीक्षा की बात करें तो उसमें 1,72,391 महिला अभ्यर्थी अकेली जो है वो परीक्षा दे रही है, जबकि पुरुष अभ्यर्थियों की बात करें तो 97,576 माफ कीजिएगा ये अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा दे रहे हैं, जबकि कुल 41 ट्रांसजेंडर इन तीनों लेवल की परीक्षा में भाग ले रहे हैं। सबसे बड़ा ये कंट्रोल कक्ष है, सबसे बड़ा कंट्रोल रूम है जहाँ से चप्पे चप्पे पर जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र का सूरत हाल आप इंडिया न्यूज हरियाणा पर देख भी पा रहे हैं। आप देख पाएंगे यहाँ तस्वीरें जो है ये किसी कहीं कोई कंट्रोल रूम की तस्वीरें, जहाँ से जो है ये क्वेश्चन पेपर और OMR सीट्स जो है, प्रश्न पत्र और OMR सीट्स जो है वो यहाँ पर जो अभी खोली जा रही है। 10 बजे चूंकि परीक्षा जो है शुरू हो रही है, ऐसे में अभ्यर्थी भी आ चुके हैं और ये तस्वीरें जो है आप देख पाएंगे साइबर सिटी गुरुग्राम की है, जहाँ पर अभ्यर्थी अलग अलग कक्षों में जो है, ये रूम नंबर 12, केंद्र संख्या की अगर मैं बात करूँ 05010, ये केंद्र संख्या है जहाँ पर अभ्यर्थी जो है अभी आ चुके हैं। तमाम जो औपचारिकताएं हैं उनका यहाँ निर्वहन किया जा रहा है। इसके अलावा फरीदाबाद की तस्वीरें हैं, अभ्यर्थी जो है यहाँ पर अभी बैठ रहे हैं और उसके बाद ये एंट्रेंस की तस्वीरें हैं, पानीपत की तस्वीरें हैं, जहाँ बाकायदा मेंशन किया गया कि फ्रिस्किंग यहाँ पर जो है वो हो रही है। ऐसे में लगातार जिस तरह की जो टेक्निकल चाहे बात की जाए, तकनीकी के लिहाज से बात करें, काफी महत्वपूर्ण परीक्षाओं को माना जा रहा है। फतेहाबाद का जो है ये परीक्षा केंद्र है जहाँ पर कंट्रोल रूम में ये प्रश्न पत्र जो है उनकी पेटियां ये खोली जा रही हैं, OMR सीट्स खोली जा रही हैं और ठीक इसी लिहाज से, हालांकि पूरी तरह से सील रहेंगे और इसके बाद इनको खोल करके वितरित किया जाएगा और जब परीक्षा का अवसान होगा वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरह से, किस लिहाज से इनको सील बंद डिब्बों में बंद करके परीक्षा केंद्र से यहाँ मुख्यालय पर लाया जाएगा। तो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रबंधन जो फॉर्म्स है वो एजेंसी जो अलग अलग एजेंसी इसमें जुटाई गई वो तमाम चीजें। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।